हैं आज का महाउपाय। जी आज का महाउपाय मैं आपको बता रहा हूं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के साथ साथ आज चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो सबसे पहले आपको आवश्यक जानकारी दे देता हूं बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। यह गौतम बुद्ध की जयंती है और उनका निर्वाण दिवस भी है। इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व में 50 करोड़ से अधिक लोग इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी बुद्ध जो है भगवान बुद्ध जो है भगवान श्री विष्णु के 9वें अवतार हैं। तो आज का दिन और आज की तिथि इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और उसके साथ साथ आप जो है आज पूर्णिमा की तिथि में भगवान विष्णु का भी स्वरूप पूजते हैं और ये उनका अवतार है। इस वजह से आज की जो तिथि है वो बहुत ही विशेष हो जाती है हमारे हिंदू भाई बंधुओं के लिए भी, इसलिए आज के दिन को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही आज चंद्र ग्रहण भी है और इस चंद्र ग्रहण के बारे में मैं बता दूं कि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा किंतु इसका प्रभाव जो है वो पूरी पृथ्वी पर रहेगा। चंद्र ग्रहण जो है ये वृश्चिक राशि में लगेगा। इस ग्रहण का प्रथम चरण सुबह 9:13 से आरंभ होगा और इसका जो ग्रहण का मध्य काल होगा वो 9:40 पर होगा और ग्रहण का जो मोक्ष होगा वो 10:07 पर होगा और इसका सूतक जो है वो सूर्योदय के साथ ही आरंभ हो जाएगा। तो आज आप ये मान लीजिए कि दिन में 12 बजे तक आपको कोई शुभ कार्य या कोई बहुत विशेष कार्य नहीं करना है। आप भगवान श्री विष्णु की पूजा तो कर सकते हैं लेकिन दिन में 12 बजे के बाद यदि उसके पहले आपको पूजा करना है तो आप मंदिर में नहीं जाएंगे या अपने घर में जो मूर्तियां हैं या मंदिर में आप जहां जाते हैं वहां पूजा करने वहां किसी मूर्ति को स्पर्श नहीं करेंगे। आइए मैं आपको ये भी जानकारी दे देता हूं कि ग्रहण काल में क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। भारतीय शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में कुछ कार्यों के बारे में बताया गया है कि जिन्हें ग्रहण के समय में नहीं करना चाहिए। उसके इस समय में गर्भवती महिलाओं को किसी भी धारदार चीज़ों का औजार जो आप लोग अपने किचन में प्रयोग करते हैं रसोई में उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। आप चाकू छुरियों का प्रयोग न करें सब्जी और फल काटने के लिए। साथ ही साथ सुई धागे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उत्तेजित पदार्थों से दूर रहना चाहिए, जो मादक पदार्थ होते हैं उनसे भी आपको बचना चाहिए और इस दौरान स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा आदि से परहेज करना चाहिए। आपको बहुत ही सात्विक दिनचर्या रखनी होती है ग्रहण काल में। शयन नहीं करना है। भोजन का समय आपको बचाना है। ग्रहण काल के बारे में ऐसा कहते हैं कि आप जो करेंगे उसका आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। अगर आप इस समय में शयन कर रहे हैं तो आप जो है अपने जीवन भर और आने वाले समय में भी उसका योनि निर्धारित किया गया है कि अगर आप जैसा कार्य करेंगे वैसी योनि आपको प्राप्त होगी। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। भोजन आदि करने से बचें, किसी की निंदा करने से बचें, वाद विवाद झगड़े आदि से भी आपको बचना चाहिए। अब मैं आपको ये भी जानकारी दे देता हूं कि ग्रहण काल में करना क्या चाहिए। ग्रहण के समय में स्नान आदि करने के पश्चात अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनके अंदर भी आपकी श्रद्धा है, जिनमें भी आपका मन लगता है, उनका ध्यान करें, उनकी पूजा पाठ करें। चंद्र ग्रहण पर भगवान चंद्र की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा देव के मंत्रों का अगर आप कोई भी जाप करते हैं, ओम सोम सोमाय नमः, ओम चम चंद्राय नमः, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। जिसकी जो भी श्रद्धा है उसके अनुसार उनको पूजा पाठ करना चाहिए। वैदिक मंत्रों का जाप तथा अनुष्ठान आदि करना चाहिए। ग्रहण के दौरान ही अन्न जल धन वस्त्र फल आदि इन सारी चीज़ों का अपने सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब व्यक्ति को या ब्राह्मण व्यक्ति को दान देना चाहिए। ग्रहण के समय में पवित्र स्थलों में स्नान करना सर्वोत्तम बताया गया है। इसी कारण से इस ग्रहण की तिथि में प्रयाग हरिद्वार काशी आदि तीर्थों पर स्नान दर्शन का विशेष महत्व होता है। धर्म सिंधु के अनुसार ग्रहण काल में स्पर्श के समय में स्नान कर लेना। ग्रहण के काल में जो मध्य का समय होता है उस मध्य के समय में हवन तथा यज्ञ करना तथा देव पूजन करना चाहिए और ग्रहण के मोक्ष के समय में अपने पितरों से संबंधित दान और उनका श्राद्ध करना चाहिए और उसके उपरांत अन्न वस्त्र धन आदि का दान अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए। ग्रहण जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब दोबारा एक बार स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। ये सभी कार्य इसी क्रम में करने चाहिए तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। ग्रहण का काल बहुत उपयुक्त काल होता है किसी भी जातक के लिए अपनी साधना को करने के लिए। तो आप जो भी अपनी दिनचर्या करते हैं, जो भी दिनचर्या में पूजा पाठ करते हैं, अगर आप आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो आप मंगल देव की आराधना करें क्योंकि आर्थिक पक्ष के लिए वही जिम्मेदार हैं, या मां लक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त कनकधारा स्त्रोत का
का पाठ करें, ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें। महादेव शिव की आराधना से ग्रहण काल में हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। तो ये था आज का महाउपाय। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे। आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।